हूं आपके साथ नवजोत रंधावा और आइए अब देखते हैं 100 खबरें। प्रेजेंटेड बाय फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। आज किसान करेंगे चक्का जाम, देश भर में हाईवेज पर 3 घंटे तक आवाजाही रोकने की तैयारी। दोपहर के 12 बजे से शुरू होगा चक्का जाम, 3 बजे तक समाप्ति। 3:01 पर हॉर्न बजाकर एकजुटता का परिचय देंगे किसान। दिल्ली में नहीं होगा चक्का जाम, संयुक्त किसान मोर्चा के गाइडलाइंस जारी। राकेश टिकैत बोले पहले से ही बंद है राजधानी। यूपी और उत्तराखंड में भी नहीं होगा चक्का जाम, राकेश टिकैत बोले डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे आंदोलनकारी। ज्ञापन जाएगा चक्का जाम होगा 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। यूपी में चक्का जाम को लेकर जबरदस्त कंफ्यूजन, बीकेयू की यूपी यूनिट का ऐलान, पूरे प्रदेश में 3 घंटे तक ठप होगी आवाजाही। दिल्ली में फ्लैश मॉब की शक्ल में घुस सकते हैं उपद्रवी, सूत्रों के हवाले से खबर। 4-5 के ग्रुप्स में रोक सकते हैं ट्रैफिक। चक्का जाम को लेकर खुफिया सूचना के बाद अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, कमिश्नर ने ली उच्च स्तरीय बैठक। चक्का जाम को लेकर एनसीआर में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, किले में तब्दील हुई राजधानी। फरीदाबाद में भी पुलिस अलर्ट, 3500 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, वज्र नाम का दंगारोधी वाहन भी तैनात। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा, दिल्ली के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए आंदोलनकारी अचानक कर सकते हैं फ्लैश प्रोटेस्ट। चक्का जाम के ऐलान के बाद दिल्ली में अलर्ट पर पुलिस, सभी आंदोलन स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर है कड़ी नजर, संवेदनशील इलाकों में भारी फोर्स की तैनाती। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो को तैयार रहने के लिए कहा, जरूरत पड़ने पर बंद किए जाएंगे 12 मेट्रो स्टेशन। जरूरत पड़ी तो राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग स्टेशन बंद होंगे। जनपद, मंडी हाउस, आर के आश्रम, सुप्रीम कोर्ट और खान मार्केट स्टेशन पर भी नजर। किसानों के चक्का जाम की वजह से अमित शाह ने टाला सिंधुदुर्ग का दौरा, अब रविवार को जाएंगे गृहमंत्री। यूनाइटेड नेशंस की मानवाधिकार यूनिट ने उठाया किसानों का मामला, सरकार और किसानों को दी संयम बरतने की सलाह, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के हक की हिमायत। संसद में विपक्ष के सवालों के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का हमला, कांग्रेस पर लगाया खून की सियासत के आरोप। कृषि मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस आग बबूला, दिग्विजय सिंह ने दिलाई गोधरा की याद। चक्का जाम से पहले किसानों की जोरदार तैयारी, गाजीपुर बॉर्डर पर जहां से निकाले गए कील वहां लगवाए गए फूल। हंगामे के बीच सोमवार तक स्थगित लोकसभा की कार्रवाई, राज्यसभा के लिए 8 फरवरी से 12 फरवरी तक बीजेपी ने जारी किया व्हिप। किसानों को लेकर विपक्ष की चौतरफा मोर्चाबंदी, राजस्थान के दौसा में सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बुलाई महापंचायत। पश्चिमी यूपी के शामली में आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने बुलाई महापंचायत, केंद्र सरकार पर साधा निशाना। हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने राजस्थान के हर जिले में निकाली ट्रैक्टर रैली, कृषि कानून के विरोध में मोर्चाबंदी। हरियाणा के सिरसा में भी किसान महापंचायत का आयोजन, किसान केसरी से सम्मानित किए गए आरएलडी नेता अभय चौटाला। परिवर्तन रथ यात्रा के लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंचे, आज दिखाएंगे हरी झंडी। बंगाल में परिवर्तन यात्रा की अब तक इजाजत नहीं मिलने पर बीजेपी की चेतावनी, दिलीप घोष बोले परमिशन मिला तो चंगा, नहीं मिला तो पंगा। में सरकार आड़े आ रही, लोकतंत्र में कई कई रास्ता है लोगों तक पहुंचने के लिए, हर प्रकार के रास्ता हम अपनाएंगे, लेकिन हमारी अधिकार है लोगों तक पहुंचने के लिए और हमारी योजना के अनुसार उसमें। दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल, पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव करवाने की मांग। हल्दिया पहुंचे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला तोहफा, इंटरनेट का 4G सेवा हुई बहाल। पेट्रोल और डीजल, रसोई गैस के दामों को लेकर शिवसेना आग बबूला, मुंबई में विरोध प्रदर्शन, सर पर सिलेंडर रखकर बाहर निकली महिलाएं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बिजली बिल माफी को लेकर बीजेपी का ताल ठोको आंदोलन, राज्य सरकार की शव यात्रा निकाली। अहम
अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, स्थानीय चुनाव में टिकट को लेकर बढ़ा घमासान। 7 फरवरी को असम के दौरे पर जा रहे प्रधानमंत्री, 7700 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। 10 फरवरी से खुलेंगे यूपी में 6 से 8 तक के स्कूल, 1 मार्च से सभी क्लासेस की पढ़ाई शुरू। बिहार में भी स्कूलों को खोलने की तैयारी, 8 फरवरी से क्लास 6 से 8 तक के छात्रों के लिए इजाजत। दिल्ली में 1000 से कम हुई कंटेनमेंट जोन की संख्या, राजधानी में अब सिर्फ 1200 एक्टिव मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12400 से ज्यादा नए केस, एक दिन में 120 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के करीब 2500 नए मामले, गृह मंत्री अनिल देशमुख को हुआ कोरोना। पूरे उत्तराखंड और हिमाचल में जबरदस्त बर्फबारी, 2 फीट तक जमी बर्फ की परत। शिमला में 24 घंटे में गिर रही है बर्फ, सैलानियों के चेहरे पर दिखी रौनक। सोलन में भी जबरदस्त बर्फबारी, बिजली गुल होने से बढ़ी स्थानीय लोगों की मुश्किल। चक्राता की ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी, पहुंचने लगे हैं सैलानी। जोशीमठ और बद्रीनाथ में भी 2 फीट तक बर्फ गिरी, NH-58 पर पड़ा असर। लखीमपुर खीरी में पति के कत्ल में पत्नी गिरफ्तार, प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में थाने में बंद बीजेपी नेता को छुड़ाने के लिए हंगामा, मंडल अध्यक्ष की पिटाई करने वाला थानेदार लाइन हाजिर। चूरू में खतरनाक गैंग वॉर, 4 की मौत, शव ले जाने आई पुलिस से भिड़े लोग। भतेरा गैंग ने बरसाई गोलियां, एसोसिएटर प्रदीप स्वामी का कत्ल। समस्तीपुर में बीजेपी नेता पर कातिलाना हमला करने वाले 6 बदमाश गिरफ्तार, 12 घंटे के अंदर हुई गिरफ्तारी। हैदराबाद के टू बाजार में आग, कोई हताहत नहीं। दुर्गापुर में कोयला तस्करी मामले की जांच में तेजी, CID ने मारे कई जगह पर छापे। गया में हथियारों का तस्कर गिरफ्तार, 10 पिस्टल बरामद। अकोला में हाईवे पर वेयर हाउस से अनाज चोरी करने वाला गैंग पकड़ा गया, 12 बदमाश गिरफ्तार, चुराया गया अनाज बरामद। कैमूर में जहरीली शराब का कहर, 3 की मौत। पुणे में 16 युवकों को प्रेम के जाल में फंसाकर ठगा, आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ी आरोपी युवती। सासाराम में गैंग वॉर में चली गोलियां, चाचा भतीजे का कत्ल। शाजापुर में अवैध शराब बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया, शराब बनाने का साजो सामान पुलिस ने किया जब्त। मुजफ्फरपुर में बंधन बैंक में लूट करने वाला बदमाश गिरफ्तार, लूट का सोना खरीदने वाला ज्वेलर भी हत्थे चढ़ा। लखनऊ में एनकाउंटर, 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पीलीभीत में सब्जियों के दाम नहीं मिलने पर नाराज किसान, सड़क पर फेंकी गोभी। बांकुरा में आलू की खेती में घाटे से किसान परेशान, 1 किसान ने दी जान। विशाखापट्टनम में ट्रेड यूनियंस का प्रदर्शन, स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध। बाड़मेर में छात्रों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, छात्र संघ अध्यक्ष की गिरफ्तारी का विरोध। दामों में विधायक रमाबाई ने कब्जों के खिलाफ उठाई आवाज, गरीबों के घर वाली जमीन पर कब्जा जमाए बैठे दबंगों को दी चेतावनी। हुगली में सड़कों की खस्ता हालत से लोग परेशान, बोले रोड नहीं तो वोट नहीं। दुर्गापुर में रेत के अवैध कारोबार में TMC नेता गिरफ्तार, फर्जी चालान के दम पर कर रहे थे खरीद फरोख्त। जैसलमेर में हवाई सेवा शुरू करवाने के लिए आगे आए पर्यटन कारोबारी, नुकसान होने पर विमान कंपनी को करेंगे भरपाई। बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के लिए भूमि पूजन, 10,000 से ज्यादा घर बनेंगे। बेंगलुरु में प्लास्टिक गोदाम में आग, पूरे इलाके में फैला धुआं। अब सरकारी बॉन्ड्स में भी निवेश करना होगा मुमकिन, RBI ने छोटे निवेशकों को बचत पर ज्यादा ब्याज दिलाने का दिया किया बंदोबस्त। अगले चरण में 6 से 10 हवाई अड्डों का होगा प्राइवेटाइजेशन, फंड जुटाने की तैयारी के तहत सरकार अप्रैल से शुरू करेगी प्रक्रिया। टोयोटा फॉर्चूनर के नए मॉडल को ग्राहकों से मिला जोरदार समर्थन, लॉन्चिंग के 1 महीने के भीतर ही आए 5,000 से ज्यादा के ऑर्डर्स। रोल्स-रॉयस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने करार को दिया विस्तार, 60 साल की साझेदारी को मेड इन इंडिया, रोल्स-रॉयस इंजन के साथ रखेंगे जारी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नई थार की 1577 यूनिट्स को किया रिकॉल, डीजल इंजन के खराब पुर्जे बदलने के लिए वापस मंगाई गई गाड़ियां।
शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, पहली बार सेंसेक्स 51,000, निफ्टी 15,000 कुछ हुआ। 117 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 50,731 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 28 अंकों की बढ़त के साथ 14,924 पर निफ्टी बंद। आरबीआई ने लगातार चौथी बार प्रमुख उधारी दरों में नहीं किया कोई भी बदलाव, रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% पर बरकरार। आरबीआई ने बढ़ाया विकास दर का अनुमान, 2021-22 में 10.5% जीडीपी ग्रोथ की जताई उम्मीद। इस साल के लिए आरबीआई ने घटाया महंगाई दर का अनुमान, 2020-21 में 5.2% रह सकती महंगाई दर। ग्रेटर नोएडा में बड़ी कंपनियां कर रही निवेश, 15 औद्योगिक भूखंडों का किया गया आवंटन, मिलेगा 450 लोगों को रोजगार। एरो इंडिया के समापन पर आयोजन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कामयाब, बोले 128 एमओयू और 18 प्रोडक्ट हुए लॉन्च। दिल्ली में सकल रेट में भारी कमी, हर तरफ की प्रॉपर्टी सकल दर को 20% तक कमी। कोविड काल के आर्थिक नुकसान की भरपाई की कोशिश, 6 महीने तक कम रहेंगे रेट। दिल्ली में कोरोना के हालात पूरी तरह से काबू में, 6 अस्पताल पूरी तरह से नॉन कोविड अस्पताल घोषित। टीडी में भिंसाली के ऊपरी हिस्से में जबरदस्त बर्फबारी, कड़ाके की सर्दी से परेशान लोग। चेन्नई टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने 3 विकेट पर बनाए 263 रन, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरे थे अंग्रेज। 128 रन पर नॉट आउट है इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, करियर के 100वें टेस्ट में ठोकी सेंचुरी। बर्न्स और सिबली ने इंग्लैंड को दी अच्छी शुरुआत, 3rd विकेट के लिए रूट और सिबली ने जोड़े 200 रन। इसराइल ने प्रमिस अस्पताल को दिए अत्याधुनिक उपकरण, मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीएस यादव ने किया स्वागत, कोरोना से लड़ने में मिलेगी मदद। चीन के मिशन मंगल पर भेजे स्पेसक्राफ्ट तियानवेन ने ली मंगल की तस्वीरें, मंगल ग्रह से 22 लाख किलोमीटर दूर से खींची तस्वीर। टर्की में 12,000 साल पुराने मंदिर के करीब दिखा धातु का विशाल टुकड़ा, मोनोलिथ, लोगों में देखने की उत्सुकता, सुरक्षा में कर्मचारी तैनात। अमेरिका में नौकरियों का संकट, नया डाटा मिलने के बाद बाइडेन ने कहा कोरोना रिलीफ बिल पर तेजी से काम की जरूरत। म्यांमार में तख्ता पलट का विरोध, कुछ सरकारी अफसरों ने शुरू किया असहयोग आंदोलन। म्यांमार में यूनिवर्सिटी टीचर्स हड़ताल पर गए, तख्ता पलट का कर रहे विरोध। पेरू ने किया फाइजर से टीके का करार, 2 करोड़ डोज की होगी खरीदारी। कोरोना वैक्सीन उत्पादन पर भी WHO की नजर, संगठन ने कहा कंपनियां वैक्सीन बनाने की क्षमता की जानकारी दें। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन के उत्पादन में तेजी की कोशिश, व्हाइट हाउस ने किया जंग के वक्त के अधिकारों का इस्तेमाल। अर्जेंटीना के जंगलों में भीषण आग, बुझाने की कवायद लगातार जारी। आंग सान सू की के वकीलों ने की उनकी रिहाई की मांग, कहा जज से न्याय की उम्मीद है लेकिन नहीं है आश्वस्त। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।